मेरे समस्त सहकर्मी, प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बच्चों, पहले हम आज की थॉट से प्रारंभ करते हैं। बच्चे ने आज थॉट बड़ी बोली थी, आज का बच्चा नेवर गिव अप टुडे इज थॉट, टुमारो विल बी वर्स बट द डे ऑफ टुमारो बी सनशाइन। कि ये जैसे अक्सर कबीर ने भी लिखा है, काली करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। इससे मिलती जुलती ही बात है। जो काम आज है, आज आपको लगता है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, कल कर देंगे, नहीं इसको मत छोड़ो, आज का आज ही कर दो। इसलिए कोई भी काम टालो मत, चाहे वो कितना मुश्किल हो। हो सकता कल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, कल वाले हालात और भी कठिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करोगे, आज मुश्किल है अगला कल इससे भी मुश्किल, आप सोचोगे कोई भी काम हम नहीं इसमें हाथ डालते। आमतौर पे क्या होता है, लोग कोई भी कठिन परिस्थिति इससे बचकर निकलते हैं। लोग सोचते हैं नहीं, ये बड़ी परिस्थितियाँ सिचुएशन ऐसी है, इससे बच के निकल जाएंगे। हाँ, सिचुएशन मुश्किल है, उसमें हाथ डालेंगे, आने वाला कल हो सकता सब आपके विपरीत हो जाए, सब आपके खिलाफ हो जाए, कोई आपका साथ ना दे, आने वाला कल अगला कल मुश्किल हो, लेकिन अगर आप डटकर मुसीबतों का सामना करते हो, हालात का डटकर सामना करते हो, जोखिम उठाते हो, हिम्मत करते हो, तो कुछ समय के बाद आपका वो समय जो है आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि आप विजेता होंगे, हालात पर आपने नियंत्रण किया, आपने हालात को जो है अपने हालात का डटकर मुकाबला किया। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थितियों से, मुश्किल हालात से हमें भागना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। डरकर नहीं भागना, भूगोड़े नहीं बनना, क्या करना है, उनका डटकर सामना करना है। अच्छा, इसके साथ ही आज जैसे कि अब सभी बच्चे इस बात से परिचित हो चुके हैं कि आज 1 दिसंबर है, अंतर्राष्ट्रीय एड दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एड दिवस है, यानी ये पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की याद दिलाता है कि ये बीमारी अभी तक इसका कोई भी ऐसा दवाई नहीं बनी है कि इसको जड़ से नष्ट किया जा सके, और ये हमेशा इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाता है कि इसका पूरी तरह से उन्मूलन करना, इसको पूरी तरह से नष्ट करना अभी बाकी है, और इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। इस दिवस की शुरुआत सन 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO जिसको बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, द्वारा मनाई गई थी, और